जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं रियल लाइन की, रियल लाइन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमने बेसिकली करना है कि आपने क्वेश्चंस में कि इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है और उसको शो करना है रियल लाइन पर, शो ऑन रियल लाइन। तो अभी रियल लाइन पर शो करने की सिर्फ दो प्रॉपर्टीज है रियल लाइन। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रियल लाइन है तो ये किसी भी वेरिएबल की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक्स की बात कर लेते हैं, तो अगर ये एक्स की रियल लाइन है तो इसके ऊपर जहां पर हमारा एक पॉइंट होता है उसके ऊपर या तो हम ये इलामत यूज करते हैं या फिर हम ये यूज करते हैं, यानी हम इसको कह लें एम्प्टी सर्कल और इसको फुल सर्कल का नाम दे लेते हैं अपने पास है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आंसर आया है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम सर्कल लगाते हैं और यहां पर लिख लेते हैं 1, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, तो हमारा आंसर है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो या 1 है आंसर या इससे ग्रेटर है। तो जब ग्रेटर है तो इस वाले एरिया को हम क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, तो ये हमारे आंसर को शो करेगा। और दूसरी चीज ये कि हमारा एक्स 1 की इक्वल भी है, जब एक्स हमारा 1 की इक्वल भी है तो हम इसको फुल भी कर देंगे, यानी ये बेसिकली जहां पर इक्वल साइन आ जाए ना वहां पर ये फुल सर्कल यूज होता है, और जहां पर इक्वल साइन ना आए वहां पर एम्प्टी सर्कल यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरे एग्जाम्पल देता हूं, अगर हमारे पास होता एक्स इज ग्रेटर देन 1 तो हम क्या करते, ये पॉइंट है 1, ठीक है, सॉरी एम्प्टी सर्कल लगाना था। तो ये देखें, ये पॉइंट 1 है और एक्स है क्या है, इससे ग्रेटर है, तो देखें मैंने इस एरिया को बोल्ड कर दिया। तो इस सूरत में मेरी रियल लाइन पर जो मैंने अपने शो करना है वो ये है, लेकिन अगर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो ये चीज है। तो हमने इससे रिलेटेड मजीद कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं। तो आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ।